राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराया गया SC ST के तहत, तो ऐसे व्यक्ति को क्या उपचार है, क्योंकि हमारे समाज में SC ST कानून जो बनाया गया वो असहाय लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये कानून का प्रावधान किया गया। समाज में बहुत तरह के अत्याचार इनके खिलाफ हो रहे थे। ये अत्याचार आज से नहीं, प्राचीन काल से हो रहा था, आज भी हो रहा है। उन्हीं अत्याचारों को दूर करने के लिए ये SC ST एक्ट बनाया गया, लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग हर व्यक्ति नहीं करता है, दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सिखाया पढ़ाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सिखाते हैं, उसी समाज के या अन्य समाज के लोग। अन्य समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों को परेशान करने के लिए SC ST एक्ट का सहारा लेकर के उस पर फर्जी FIR दर्ज करवाते हैं। तो जिसने दर्ज करवाया और जिन लोगों ने दर्ज करवाने के लिए उसे उकसाया या पैसा दिया या सहायता दिया या उसके पीछे खड़े रहे, ऐसे सभी लोगों को किस तरह से सबक सिखाया जाए, उसी पे हम चर्चा करेंगे। अगर किसी व्यक्ति पे फर्जी SC ST का आरोप लगाया गया, यानी 154(1) के तहत FIR दर्ज करवाया गया या धारा 200 के तहत कोर्ट में जा करके परिवाद दर्ज कराया गया, तो चाहे 154(1) के तहत FIR दर्ज करवाया गया हो या धारा 200 के तहत कंप्लेंट दर्ज कराया गया हो, ऐसी स्थिति में क्योंकि आरोप फर्जी है और फर्जी है तो फर्जी साबित भी हो जाए कोर्ट में, ये भी ध्यान रखना, यानी मामला कोर्ट से खारिज हो जाए, अगर कोर्ट में वो फर्जी आरोप सही साबित हो गया तब आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जब कोर्ट में जा करके आप बरी हो जाए, मामला खत्म कर दिया जाए आपके पक्ष में, समझौता हो जाए, नहीं ध्यान रखिएगा, समझौता के आधार पर कोई रिमेडी नहीं मिलेगा, जब मामला साबित ही ना हो पाए और आप बरी हो जाएं, आप परेशान हुए हैं, परेशान तो स्वाभाविक है कि अगर SC ST का FIR आपके खिलाफ दर्ज होगा इस एक्ट के तहत, तो आप परेशान होंगे, आपको बेल कराना पड़ेगा, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, ठीक है, तो परेशान स्वाभाविक है आप होंगे। ऐसी स्थिति में यदि फर्जी FIR दर्ज कराया गया और मामला खत्म हो जाता है आपके पक्ष में, यानी आपको बरी कर दिया जाता है उस मामले में, या पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ना करने का फैसला लेता है, या आप पर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट लगा दिया जाता है 169 की रिपोर्ट, तो भी मामला खत्म हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जो पीड़ित है उसको क्या उपचार होगा, सबसे पहले समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। एक तो फर्जी आरोप लगा के नहीं, फर्जी सूचना दिया गया और उस फर्जी सूचना दे करके लोक सेवक को परेशान किया गया अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए। तो अगर किसी लोक सेवक को फर्जी सूचना दे करके उसको अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए विवश किया जाता है, तो ऐसा लोक सेवक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है सेक्शन 182 का, ठीक, ऐसा लोक सेवक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है 182 का उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने वो फर्जी सूचना दिया था, और दूसरा जिन लोगों ने उसको उकसाया है, जिन लोगों ने उसको सहायता दिया है, जो लोग उसके पीछे खड़े थे कि आप इस तरह का फर्जी आरोप लगाइए फला व्यक्ति पे, वो लोग भी इसी धारा के तहत परेशान किए जाएंगे, उन पे भी 182 के तहत मुकदमा चलेगा। दूसरा धारा, वो व्यक्ति भी तो परेशान हुआ, ठीक है, जिसके खिलाफ फर्जी सूचना दी गई, तो धारा 211, ये सब IPC की धाराएं हैं, धारा 211 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, और अगर ये कोर्ट में साबित तो हो ही जाएगा क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया ये कहते हुए कि फर्जी आरोप पाया गया, आरोप अगर फर्जी पाया गया तो बरी हो गया, तो धारा 211 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, इसलिए कंप्लेंट दर्ज कराना होगा, और कंप्लेंट जब दर्ज हो जाएगा
तो कोर्ट में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है ही है, क्योंकि जो आरोप उसने लगाया था वो तो कोर्ट में पहले ही खंडित हो चुका है, यानी अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। तो ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को भी जेल जाना होगा धारा 211 के तहत। तो 182 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, 211 के तहत रुपये मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, यानी क्रिमिनल केस। दूसरा, जिस पे ये फर्जी आरोप लगाया गया उसका अपमान भी तो समाज में हुआ, उसका डिफेमेशन भी तो समाज में हुआ, उसकी मानहानि भी तो समाज में हुई। ऐसी स्थिति में वो मानहानि का केस भी उस पर दाखिल कर सकता है, और मानहानि का सिविल केस भी उस पर दाखिल किया जा सकता है, और क्रिमिनल केस भी दाखिल किया जा सकता है। क्रिमिनल केस अगर दाखिल करेंगे तो धारा 500 के तहत, यानी धारा 500 के तहत उस पर कंप्लेंट दर्ज करा जा सकता है मानहानि का आरोप लगाते हुए कि साहब हमारा मानहानि हुआ, हमारा समाज में अपमान हुआ, हम अरेस्ट हुए और आरोप फर्जी लगाया गया था, अतः इनके इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। तो 500 के तहत मानहानि का केस भी उस पर दर्ज करा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सिविल राइट क्या क्या है आपको है, क्या क्या उससे मुआवजा ले सकते हैं। अब इसके लिए उसने आप पे विद्वेषपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से परेशान करने के लिए आप पे क्रिमिनल केस दर्ज कराया, तो ये एक टार्टियस लाइबिलिटी भी बनता है। ये आपका सिविल राइट है कि आप पर कोई भी व्यक्ति फर्जी आरोप लगा के आपको परेशान ना कराए। तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए आप उस पे सिविल केस फाइल कर सकते हैं टार्टियस लाइबिलिटी के तहत, और उससे कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्रतिकर आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपका मानहानि भी हुआ है तो आप मानहानि का भी आरोप लगा के अपने सिविल राइट के वायलेशन के लिए आप उससे कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस पर सिविल केस भी चला करके उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, यानी कुछ पैसा ले सकते हैं जो आपका नुकसान हुआ, ध्यान रखिए। और रियल में अगर आपका कोई नुकसान हुआ है बड़े मात्रा में, जैसे आपका बिजनेस ठप हो गया या अन्य चीज़ें आपका नुकसान हुआ है, तो उसकी पूरी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका 1,00,000 का बिजनेस चौपट हो गया फर्जी आरोप लगाने से, आपको जेल जाना पड़ा था जब, तो पूरा 1,00,000 तक के उसको कम से कम भरपाई देना पड़ेगा। तो आप उस पर सिविल केस भी दाखिल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जा करके, दीवानी कोर्ट में जा करके, और उस पर क्रिमिनल केस भी दाखिल कर सकते हैं 182-211 धारा 500 के तहत, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो आप उसे जेल भी भिजवा सकते हो क्रिमिनल केस दाखिल करके, और उस पर सिविल केस दाखिल करके अपने नुकसानी की भरपाई के लिए भी आप जो है केस दाखिल कर सकते हो। तो इस तरह से अगर फर्जी SC ST का आरोप किसी पे लगाया गया तो उससे बचें कैसे, इसके लिए मैं भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्या करें बाद में, इसके लिए भी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया, ठीक। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आपकी रह जाती है तो ये संपर्क सूत्र है हमारा 9161-3091-61, यानी 9161-11-3061, ठीक, 9161-11-3061 पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ PCSJ APO HJS की तैयारी कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को PCSJ में एडमिशन लेना है, यानी जज बनना है, APO की तैयारी करना है या HJS की तैयारी करना है, या वो LLB में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे नंबर गेन करना है, या LLB के दौरान ही वो PCSJ की तैयारी करना चाहता है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास दोनों प्रकार की क्लास उपलब्ध है। आप जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार आप उसका लाभ ले सकते हैं। नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप नोट्स भी अलग से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, या क्लास करेंगे तो नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक। दूसरा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो इस तरह के डाले जाएंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि SC ST का झूठा FIR अगर दर्ज कराया जाता है तो उससे कैसे बचें और उसके खिलाफ क्या जवाबी कार्रवाई करें, मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ लगता है कि कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए थी तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।